जब से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई है देश के अंदर, उसके बाद जो कमाने खाने वाले लोग हैं यहाँ इस देश में, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो छोटे दुकानदार है, चाहे वो रेड़ी फटरी वाले हैं, उनके लिए एक तरह से कयामत बरप रही है। यहाँ पे कयामत बरप रही है। हमारी बहने सैकड़ों सैकड़ों मील पैदल चली है, सड़क के किनारे के ऊपर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई है। अब बच्चे को जन्म दिया और 5 मिनट में जो है 90 किलोमीटर चली हुई। हमारी नौजवान बेटी, उसका पिता बीमार है, बिहार जाना चाहता है, बीमारी के समय में अपनों के बीच में पहुंचना चाहता है, तो 7 दिन तक साइकिल चला के अपने पिताजी को जो है वो बिहार लेके गई है। यहाँ पे अनेकों साथी भूखे प्यासे रेलों के नीचे और कहाँ कहाँ नहीं जीवन मतलब इस तरह से बर्बाद किया गया यहाँ पे। लेकिन सोचने की बात यह है साथियों कि क्या ये सब नागरिकों के लिए इसी तरह से बीता है कोरोना की महामारी का दौर? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मजदूरों को यहाँ पे पैदल चलना पड़ रहा था, 48 डिग्री जब पूरा तापमान था यहाँ पे, उसी समय पे जो अमीर जातों के बच्चे, लाडले बेटे बेटियां और लोग जो विदेशों में पढ़ते हैं, उनको तो यहाँ पे जांचों से लाया गया, जहाज चलाए गए उनके लिए स्पेशल जो है। और यहाँ पे जो कोटा में इधर उधर मंत्री संतरियों के अपने भतीजे बेटियां जो हैं, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट बनने की अफसर बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, उन सब के लिए ऐसी बसें और सब कुछ जो है प्रदान किया गया यहाँ पे। लेकिन जिनके खून पसीने से यह देश चलता है, उनके लिए तो रोटी भी नहीं है, साफ पीने का पानी भी नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं इस बात को। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस देश के ऊपर राज करने वाली जो पार्टी है, यह धन्ना सेठों, कुबेरों और अमेरिका के यार हैं ये लोग जो हैं, जो राज कर रहे हैं असल में। और ये कहते हैं कि भाई हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे यहाँ पे। इनको जवाब देना चाहिए कि आए दिन यहाँ पे जो गांव में रहने वाले लोग जो हैं, दूसरे गरीब लोग जो हैं, उन्होंने 700 ग्राम तो हर खाने के साथ जो है खाना कम किया है, उनको अपने घर बार चलाने मुश्किल हो रहे हैं एक तरह से। और अनेकों तरह की बीमारियां यहाँ पे जो आ रही हैं, इनका भी पूछना पड़ेगा कि ये बीमारियां महामारियां आती कहाँ से हैं। ये जो अमीरों के शौक जो हैं, जिन्होंने धन के अंबार लगा लिए, जिनको खाने के लिए दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, उनको अनेकों तरह के वो चाहिए, पशुओं के अलग अलग तरह के पशुओं के मांस मिट्टी चाहिए, उनकी वजह से ये बीमारियां यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे सारी खेती जो है वो कंपनियों को दी जा रही है। वो कंपनियां जिस निर्ममता के साथ इस धरती का दोहन करती हैं, वहां से ये बीमारियां लग रही हैं। ये जो बड़े सवाल हैं, इनको भी साथियों हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जो सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार, ये इस देश के केवल 20% जो लोग हैं, अमीर जाते जो है, सब कुछ उनके लिए करना चाहती है। और जो 80% लोग हैं जो असल में इस देश को चलाते हैं, उनका जो है खून चूसने पर आमादा है ये। इस दौरान भी आपने देखा, जब यह महामारी चल रही है, जितने कायदे कानून किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने अपनी मान सम्मान के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करके बनवाए थे, उन सब कानूनों को यहाँ पे बदला गया है। अभी प्रीत ने बताया किसानों के लिए जो कानून था, दूसरा जो कानून था, इस दौरान भी गरीबों को अगर कोई मदद मिली है थोड़ी बहुत राशन की, तो राशन के डिपो के माध्यम से मिली है, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। ये जो राशन के डिपो के माध्यम से जो खाद्य सुरक्षा आजादी के बाद सुनिश्चित की गई थी साथियों, उसकी कमर तोड़ी गई है। इसी दौरान ये कानून बदला गया है।
मजदूरों के बारे में 3 साल के लिए उनको प्रोटेक्ट करने वाले जितने कानून थे कह दिया कि 3 साल के लिए सस्पेंड, 12 घंटे काम करेंगे मजदूर। अरे मजदूर जो है ऑलरेडी वो बेचारे जो है जात का, गरीब होने का, काले गोरे होने का, सब तरह के भेदभाव झेलते आ रहे हैं और उनको कह रहे हो कि 12 घंटे उनसे काम लेंगे। तुम्हारे बाप का राज है क्या? यहाँ पे हमारी यूनियन भी है, यहाँ पे हम भी लोग हैं जो आवाज उठाएंगे इन चीजों के ऊपर। और कर क्या रहा है फिर जो इनके ऊपर आवाज उठा रहे हैं देश के स्तर पे, जो हमारा मतलब होनहार बेटा बेटियां जो हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं, ये काले कानून जो यहाँ पे लाए जा रहे हैं, उनको जो है आज भी जेलों के अंदर ठोका जा रहा है। हमारे अपने शहर की सबसे होनहार बेटी नताशा नरवाल, उसको UAPA का काला कानून लगा के और तिहाड़ जेल में बिठाया हुआ 23 साल की उम्र के अंदर। जो तो ये जो दांडी मारे हैं 80% लोगों की, 20% की जोड़ी में गालन लग रहे सबके में, उसको छुपाने के लिए फिर ये अनेकों तरह के षड्यंत्र करते हैं। कदे कहा मुस्लिमों ने फैला दिया ये तो जो है, क्योंकि इलाज तो करवा नहीं रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर खर्च नहीं किया यहाँ पे जो है, तो कदे कदे है ये मुस्लिमों ने फैलाया, कितने कदे है ये बिहारी जो है ये फैलाए हैं। कहने का मतलब ये है कि 80% जो लोग हैं उनमें फूट डालो और राज करो की नीति से काम लेते केवल। और दूसरी तरफ हम ये बताना चाहते हैं, हमें गर्व है ये बताते हुए अपने बहन भाइयों को कि इस देश के अंदर जहाँ पे मजदूरों की पार्टी की सरकार है, केरल के अंदर, केरल के अंदर वो राज्य है केरल जहाँ पे मजदूरों की पार्टी राज करती है, पिनराई विजयन जो उसका मुख्यमंत्री है वो खुद एक फैक्ट्री मजदूर था, वहां से उठ के और आज मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने इसी कोरोना महामारी के दौरान यहाँ पे जो है पूरे रिकॉर्ड कायम किए हैं जनसेवा के,